परिवारिक मैंबरां दे वल्लों अपना नवां घर बनाउण दी कोशिश कीती जा रही सी अते इस दौरान ही किसे नूं इह देख रेख हेठ दित्ता गया सी। पर इस नवें बन रहे घर दे अंदरों जदों एक मृतक दे बरामद होई लाश देखी गई तां उस तों बाद सब नूं हत्थां पैरां दी पै गई। इह सारा सीन किसे फिल्म तों घट नहीं है जिथे नवें बन रहे घर दे विचों मृतक दे मिलण तों बाद सनसनी फैल गई। दृश्यम फिल्म दा उह सीन जिथे कि पुलिस स्टेशन दे अंदर ही किसी तरह नाल मृतक दे पहुँच जाती है। उसी तरह हो सकता है कि इस घटना को अंजाम देने की कोशिश की गई होवे पर यह सारे भेद खुल के बाहर आ गए। पर हुण तक उस व्यक्ति की पहचान तक नहीं हो पाई है कि आखिरकार यह मृतक दे है किस दी। पुलिस दे कोल इस पूरे मामले नूं लैके सिर्फ यही सामने आया कि इसकी उम्र करीब 40 तो 45 साल की है। पर यह कौन है, कितों आया, कितों का रहन वाला सी, इहदा घर परिवार कित्थे है, इस दे बारे कोई भी जानकारी पुलिस के हाथ हुण तक नहीं लगी। इस दे लई लोकां नूं अपील की जा रही है कि इस व्यक्ति की पहचान की जाए ता जो वह पता लगा सकन कि यह किसकी जान लई गई, मृतक दे किसकी है। इस नूं लैके हुण तक भी जांच पड़ताल जारी है। दूसरे पासे इस घर दे विच रह रहे एक होर मजदूर नूं पुलिस दे वल्लों हिरासत दे विच लिया गया। हालांकि उसकी पत्नी का कहना सी कि उसके पति ने कुछ भी नहीं किया। पूरी घटना सामने आने तो बाद घर परिवारिक मैंबरां नूं हत्थां पैरां दी पै गई कि आखिरकार उन्हां दे नवें बन रहे इस घर दे विच की कुछ हो रहा है। एक खबर फरीदकोट जिले के कोटकपुरा शहर तो सामने आई जिथे एक मकान दे विच व्यक्ति दी मृतक दे बरामद हुई। इसका पता चलते ही लोगों ने एक होर व्यक्ति नूं फड़ लिया ते उसनूं पुलिस दे हवाले कर दिता। पुलिस ने दोषी दे खिलाफ केस दर्ज कर लिया ते मृतक दी पहचान दी कोशिश की जा रही है। पुलिस नूं दित्ती शिकायत दे विच कोटकपुरा निवासी सुभाष चंद्र ने दस्या कि उसकी पत्नी सुमित्रा देवी दे नाम ते निर्माणपुरा कलोनी दे विच एक प्लाट लिया होया सी, जिस प्लाट दे विच बने पुराने कमरे नूं गिरा के नवा बनाया जा रहा सी। इस दी देखरेख दे लई रवि कुमार पुत्र मदन लाल निवासी घुमियारा वाली नूं दिता गया सी अते उह उत्थे काम कर रहा सी। रवि कुमार ने उस वक्त मकान दे विच एक होर व्यक्ति नूं देखिया जिस दे मूँह सिर अते मत्थे ते इट्टां दे नाल हमला कीता होया सी। रवि नूं लोकां दे सहयोग दे नाल फड़ के पुलिस दे हवाले कीता गया जिस दे उपर यह शक है कि उस दे वल्लों ही इस पूरी घटना नूं अंजाम दिता गया। कोटकपुरा थाने दे मुखी गुरु मेहर सिंह ने दस्या कि निर्माणपुरा दे विच अणपछाते व्यक्ति दे होए इस पूरे कांड नूं लैके पुलिस दे वल्लों दोषी नूं नामजद करके फड़ लिया गया, जदों कि मृतक दी शनाख्त दी प्रयास कीती जा रही है। हालांकि हुण तक पहचान उसकी नहीं हो पाई है। फिलहाल पुलिस दे वल्लों मृतक दे नूं हस्पताल विखे रखवा दिता गया। सिर्फ यही जानकारी इस समय पुलिस दे कोल इस संबंधी कि उस मृतक दी उम्र करीब 45 तो 50 साल दे विच है। इस दे विचाले ही जिस व्यक्ति नूं पुलिस ने हिरासत दे विच लिया उसकी पत्नी ने कैमरे दे सामने आके कहा कि उसके पति ने कुछ भी नहीं किया, उल्टा उसनूं डर है कि उन्होंने उपर कोई केस ना पै। कोई पता नहीं है कि ना नहीं है पुलिस ने तुरंत पहला मंगाना पिया की यह गल हो गई गली आई पुलिस साड़ी सुन दिया सारा यही गल आ गई भजन लगा सी मुड़के बाहर निकलिया फिर उन्होंने सारी गली घेर बैठी भी जान नहीं देना पुलिस असि बुलाई है इस बंदे नु असि फड़ाना तराश हो पैसे गली च भैया ने मारता बाहर खड़े रहे थोड़ी देर बाद पुलिस आई लोगों ने देखा वाख्या अंदर जाके पुलिस बंदे ने फड़ के ले गई फिर डेड बॉडी ले गई। काम तो ऑल ओवर ड्री सी जी जे सब्जी वाले दिहाड़ी ला गया तो सब्जी वाले को चला गया जे किसी ने इटा वाले ला लिया इटा वाले को चला गया इतने कुबाड़िया से भी कम कम करता सी काम तो ऑल ओवर ड्री सी ये मेरे ख्याल है तो ख्याल नहीं किया लेकिन हो सकता महीना को हो गया कोई रवि नाम के लड़का ने किसी को मार दिया है। वो अपने दुकान पे कभी कतल घूमते फिरते आ जाता था 10 मिनट को लिए तो जब काम कोई पड़ती थी तब उसको 150 दे के काम करा लिया जाता था जिसने मारे रवि ने
पर उसको वे भी नहीं पता मुझे कि ये कौन है और किसको मारे, ये सब मुझे कुछ पता नहीं है जी। जी जी जी। इसके वजह से हमारे पति को दुकान से बुला कर ले गए कि आदमी है किस तरह बंदा क्यों किसने मारा, तो इससे पूछताछ में इसको ले गए। इस डर है कि हमारे ऊपर इंजाम ना जाए हमारे पति के ऊपर, इसके बारे में हम सबको कुछ पता नहीं उस लड़का ने क्या क्या हुआ उसके आगे, ये इसने तो कोई मतलब रोल नहीं है इसके उस बीच में, इस पे झूठा इंजाम ना लगा देवे इसके हमारे पति के ऊपर। जो दोषी है उसको पकड़े, हमारे पति का इसमें कोई रोल नहीं है, इसका कोई गलती नहीं है। सानू जी निर्माणपुरे मोहल्ले च एक अंडर कंस्ट्रक्शन घर चों एक बॉडी मिली है जिदे मुंह ते सट्ट सीगी, वो बॉडी मॉर्चरी च रखाती है, बाकी कार्रवाई की जा रही है, पता लाया जा रहा है की गल हुई है, हजे वेरीफाई कर रहे हैं जी, स्टेटमेंट्स लिखी जा रही है, उस तो बाद जो भी होगा प्रेस में दसा जाऊगा। 40 to 50 साल की उम्र लगती है जी, हजे शनाख्त लई इश्तेहार जारी कराया, वेरीफाई करा रहे हैं भी बॉडी की है जी, लगता तो लोकली है, बाकी वेरीफाई करके दस जाओ। सानू जी रात को 10:15 बजे इन्फॉर्मेशन मिली।